हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं विपिन आप सभी का विविधा गेमर्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एंड आज हम बात करने वाले हैं टेकन गेम सीरीज़ के बारे में, ये कब लॉन्च हुई एंड कैसा इसका क्रेज रहा, कैसे इसने लोगों के बीच में हाइप क्रिएट करा एंड टेकन 3 इसमें सबसे स्पेशल क्यों माना जाता है। तो इस गेम सीरीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप मेरी आने वाली और भी ज़्यादा गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाओ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये गोल्डन गेम सीरीज का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक नीचे दे दिया है मैंने, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। एंड पार्ट 1 में हमने बात करी थी रेजिडेंट ईविल गेम सीरीज के बारे में। अगर आप रेजिडेंट ईविल गेम सीरीज के फैन हो तो नीचे वो जो लिंक है उस पर जाकर उस वीडियो को भी देख लो। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं टेकन गेम सीरीज के साथ। तो सबसे पहले टेकन नाम का गेम 1994 में बनाया गया था, जो कि एक एरकेड गेम का कंसेप्ट था। एंड उसके बाद इस गेम को पूरा मतलब एक साल के गैप के बाद 1995 में प्लेस्टेशन 1 के लिए लॉन्च करा गया था। एंड इसमें बहुत सारे मतलब डिफरेंट प्लेयर्स थे एंड ये मतलब टोटल एरकेड गेम था। एंड जिस टाइम पे रेजिडेंट ईविल जैसे गेम स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फ्रेंचाइजी को बचाने के लिए, उस टाइम पे टेकन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो गाइज इसमें डिफरेंट प्लेयर्स थे जैसे कि जिन, पोल, ला, कजुआ, इनको आप जानते भी होंगे। एंड इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट था जिसमें मतलब 10 जो लेवल्स थी एरकेड लेवल्स थी उसमें आपको कंप्लीट करना था एंड आप एक नए कैरेक्टर को ओपन कर पाओगे। लेकिन उस टाइम पे जो है इस गेम में जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थे एंड मतलब ज़्यादा आपको प्लेयर्स इस गेम में देखने को नहीं मिलते थे। स्टार्टिंग में अराउंड 10 से 15 ही जो है प्लेयर्स एंड कैरेक्टर्स इसमें ऐड करे गए थे। इस गेम का कंसेप्ट तो बिल्कुल मतलब सिंपल सा है, कोई बच्चा भी इस गेम की स्टोरी वगैरह बता ही सकता है। वैसे स्टोरी का मतलब कोई मेन इसमें एलिमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा आपको स्टोरी का, बस इसमें मतलब एक एरकेड गेम है, दो बंदे अपना अपना रिमोट लगा के इसमें खेल सकते थे। एंड इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था क्योंकि यार दो बंदे एंड मतलब वो चाहे दुश्मन हो या फिर अपने फ्रेंड हो, वो अपने आप अपना अपना रिमोट लेके खेल सकते थे एंड मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। बढ़ते हैं अगली गेम की तरफ। टेकन 2 1995 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको 1996 में सेम टेकन फर्स्ट की तरह इसको भी एक साल के गैप के बाद 1996 में प्लेस्टेशन के लिए लॉन्च कर दिया गया था। एंड प्लेस्टेशन के लॉन्च होने के बाद एक दो साल के बाद इसको जेबू गेम कंसोल में भी लॉन्च कर दिया गया था। जेबू भी एक गेमिंग कंसोल ही था एंड पिछली वीडियो में भी मैं बार बार यही कह रहा था कि गेमिंग कंसोल, तो इनके बारे में आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मतलब जैसे जैसे इसकी गेम मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ी वैसे वैसे इनमें और भी नए मोड्स आने लग गए थे, जैसे कि सर्वाइवल, टीम डेथ मैच, टाइम अटैक, ऐसे ऐसे मोड्स भी इसमें आने लग गए थे एंड लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर मतलब लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे थे। इन तीनों दोनों गेम के बाद तीसरा गेम आया टेकन 3, जो मतलब आज तक भी फेमस है। 2022 से लोग आज भी उसको खेलना पसंद करते हैं एंड उसका हाइप आज भी लोगों में। टेकन 3 का सबसे ज़्यादा मोड्स थे जैसे कि मैंने बताया था, टेकन 2 में भी ये आ गए थे लेकिन टेकन 3 में बहुत सारे आ गए थे। फोर्स मोड भी आ गया था, बॉल मोड भी आ गया था टेकन 3 में, इस तरह के। एंड इसमें जो है कैरेक्टर लिमिटेड नहीं थे, अब जो है 30 से 35 जो है कैरेक्टर एंड प्लेयर्स इसमें ऐड कर दिए गए थे। एंड कंसेप्ट अब भी सेम ही था, यानी कि आपको मतलब 10 टोटल लेवल्स होती थी, 10 में से 8 में जो है नॉर्मल प्लेयर्स के साथ आपकी फाइट होती थी एंड 9th होता था मतलब प्री बॉस कह लीजिए आपको। एंड जो 10th लेवल पे होता था वो मेन बॉस होता था जैसे कि ओगरी है। तो इस तरह का कंसेप्ट इस गेम में था। एंड जब आप मतलब पूरी 10 की 10 गेम की जो लेवल को कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको एक नया कैरेक्टर मिलेगा एंड आप उसको गेम में सेव भी कर सकते हो अपना सेव मेमोरी कार्ड वगैरह लगा के। वैसे तो आजकल बहुत सारे एमुलेटर्स हैं एंड्रॉयड के लिए भी, तो इस तरह के गेम्स तो आप बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल छोटे से छोटे फ़ोन में भी चला सकते हो एंड आपने खेले भी होंगे एंड टेकन 3 तो ज़रूर ही खेला होगा। टेकन 3 के बाद टेकन टैग टूर्नामेंट आया था 1999 में, ये भी बन के तैयार हो गया था लेकिन इसको भी ठीक एक साल के गैप के बाद 2000 में लॉन्च करा गया था प्लेस्टेशन के लिए ही, प्लेस्टेशन 2 के लिए प्लेस्टेशन 2 के लिए इसको लॉन्च करा गया था। एंड अगर मैंने टेकन 3 के बारे में नहीं बताया तो टेकन जो 3 है वो 1996 में बन के तैयार हो गया था लेकिन इसको 2 साल के गैप के बाद 1998 में लॉन्च करा गया था टेकन 3 को, ठीक है ना। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगर नेक्स्ट गेम के बारे में बात करें तो नेक्स्ट गेम था टेकन 4, जो कि 2002 में प्लेस्टेशन 2 के लिए ही लॉन्च हुआ था। एंड इसमें भी अब कैरेक्टर लिमिटेड नहीं थे, इसमें वुमेन्स कैरेक्टर, लेडी कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा ऐड कर दी गई थी, लोग इसको भी पॉपुलर कर रहे थे। एंड अब जो है फीमेल जो पीपल्स हैं वो भी अब इसमें जो है
पार्ट लेने लगे थे एंड इस गेम में इंटरेस्ट दिखाने लग गए थे। एंड ये तो एक नॉर्मल बेसिक सा कारण भी है, अगर किसी में गेम में भी अगर फीमेल कैरेक्टर एंड मेल कैरेक्टर है तो दोनों में एंड उसका पॉपुलर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में। लेकिन उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं टेकन 5 के बारे में। टेकन 5 भी सेम पंगा था, 2004 में बनके सॉरी 2003 में बनके तैयार था, लेकिन 2004 में इसको प्लेस्टेशन 2 के लिए ही लॉन्च करा गया था। टेकन 1, 2 and 3 के बाद एंड 4 के बाद भी एक और इस मतलब टेकन सीरीज से हटके एक और गेम आया था जिसका नाम था टेकन द डार्क रेजुरेक्शन। ये गेम 2005 में बन के तैयार था, लेकिन इसको 2005 में बन के तैयार था, 2006 में इसको प्लेस्टेशन पोर्टेबल के लिए लॉन्च किया गया था यानी कि PSP के लिए। एंड मैं गलत नहीं हूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको खेला भी होगा PPSSPP इमुलेटर में, जो कि एंड्रॉइड में बहुत ही मतलब सिंपली से मिल जाता है, प्ले स्टोर पर भी आपको वो मिल जाएगा, रोम वगैरह डाउनलोड करके आपने घेरा भी होगा। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले। तो ये गेम प्लेस्टेशन पोर्टेबल के लिए लॉन्च हुआ था, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। वैसे तो जो प्लेस्टेशन पोर्टेबल है यानी कि जो PSP है उसको लोग हाथ में लेकर भी कहीं भी जा सकते थे, या फिर कहीं पर भी उनको जाना हो तो वो अपने साथ इस प्ले स्टेशन पोर्टेबल को लेकर जा सकते थे। एंड उस कंडीशन में अगर आपके पास टेकन जैसा गेम है हाथ में तो मज़ा डबल हो जाता है। वैसे तो आज एंड्रॉइड है आपके पास तो कोई कमी नहीं है, आप कितना भी बड़ा गेम उसको उसमें स्टोर कर सकते हो। आप कितना बड़े का मतलब ये नहीं है कि आप GTA 5 जैसे गेम या गॉड ऑफ वॉर 3 जैसी गेम अपने फ़ोन में डाउनलोड करके खेल सकते हो, खेल नहीं सकते, डाउनलोड तो कर ही सकते हो ना यार। 43 GB के ये अराउंड की गेम है या फिर 90 GB के अराउंड की गेम है। वैसे स्टोरेज तो है एंड्रॉइड में इतनी, लेकिन इतना ज़बरदस्त प्रोसेसर नहीं है कि आप GTA 5 अपने फ़ोन में चला पाओ। चलिए छोड़िए, इसके बारे में बात नहीं करते, मैं आगे की स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। तो इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 2007 में टेकन 6 रिलीज हुआ था, मतलब बन के तैयार था। 2008 में इसको PS3, Xbox 360 एंड विंडोज़ के लिए लॉन्च कर दिया गया था। एंड PS3 एंड Xbox 360 में तो इसको 2008 में लॉन्च कर दिया था, लेकिन विंडो में एक साल या दो साल बाद ही रिलीज कराया, उसके बारे में मुझको पक्का नहीं पता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गेम आया था टेकन टैग टूर्नामेंट 2। ये गेम 2011 में WII के लिए लॉन्च हुआ था। एंड बाद में जो पहले की गेम थे यानी कि टेकन 1, 2, 1 से लेके 4 तक की सीरीज WII के लिए लॉन्च कर दी गई थी बाद में। एंड ये थोड़ा सा एडवांस कंसोल था इसके कारण जो ये WII में सारे गेम्स लॉन्च कर दिए गए थे। एंड जो ये कंसोल ऐसा था जो पुराने से लेके बड़े वाले गेम्स अच्छे तरीके से चला पाता था, लेकिन जैसे कि प्लेस्टेशन जैसे या फिर एक्सबॉक्स जैसे कंसोल है वो जो है लो रेजोल्यूशन के या फिर लो पॉलीगन से बने हुए जो गेम्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता था। इन सब केसेस ये गेम्स उनमें जो है बड़े ग्राफिक्स कार्ड के साथ चल भी नहीं पाते थे। तो इस बारे में भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। वेल गाइस, नेक्स्ट गेम आया था टेकन 7, 2014 में बन के तैयार था। एंड 2015 में प्लेस्टेशन 4 के लिए ये भी रिलीज़ कर दिया गया था। एंड ये तो बहुत मतलब इस सीरीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ है, एंड लोग आज भी इसको खेलते हैं एंड इन्जॉय करते हैं जिनके पास एक अच्छा PS4 जैसा कंसोल है। एंड बहुत सारे लोग जैसे कि जापान में लोग इसकी मतलब टूर्नामेंट भी रखते हैं, एंड इस पे जो है ओरिजिनल रियल मनी कैश टूर्नामेंट भी होती है। एंड जो भी ये टूर्नामेंट जीता उसको बहुत ज़्यादा प्राइज़ मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, एंड उसको काफ़ी ज़्यादा कैश प्राइज़ भी मिलता है। तो इस तरह का मतलब अभी तक तो इंडिया में नहीं हुआ, एंड फ्यूचर में हो सकता है, तो इसके बारे में भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको टेकन गेम सीरीज़ के बारे में बताया है। अगर आप टेकन गेम सीरीज़ के फ़ैन हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग बी विद द गेमर्स।